इस खबर है कि आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके पाकिस्तान के हाथ से पीओके चला जाएगा। खबर है कि कंगाल हो चुका पाकिस्तान जल्द ही अपने परमाणु बमों से भी हाथ धो बैठेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान धीरे धीरे गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि पाकिस्तान में कभी भी सत्ता बदल सकती है। कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं कि वहाँ कोई दूसरी पार्टी या सेना ही सत्ता संभाले, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई आतंकी संगठन पाकिस्तान पर कब्जा कर ले। वैसे भी इन दिनों पाकिस्तान में कई चीजें सरकार के कंट्रोल में नहीं है। दूसरी तरफ टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी कभी भी सुरक्षा बल को निशाना बना रहे हैं और अब तक पाकिस्तान पुलिस और सेना के कई जवानों की मौत भी हो चुकी है। वहाँ खतरा सिर्फ टीटीपी ही नहीं है बल्कि इस आतंकी संगठन की विचारधारा को मानने वाले कई दूसरे आतंकी संगठन भी हमले की ताक में। ऐसे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मौजूद परमाणु बमों पर भी खतरा मंडरा रहा है। उधर पाकिस्तान के कराची सेंट्रल जेल से बाहर निकलते ही बलूचिस्तान के नेता अब्दुल हाफिज जहरी के अपहरण की कोशिश की गई। उनके परिवार वालों का आरोप है कि पाकिस्तान पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लोगों ने यह हरकत की, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के नेता अब्दुल हाफिज जहरी की जान खतरे में पड़ गई। कराची के सेंट्रल जेल के बाहर से सामने आई तस्वीर में दिखा कि हथियार लिए कुछ लोग एक गाड़ी को घेर कर खड़े हैं। इस दौरान वो किसी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करते दिखाई दिए। इस दौरान वहां कई राउंड फायरिंग की गई। आरोप है कि हमलावरों ने बलोच नेता के घर की महिलाओं को भी पीटा, जो उन्हें